अस्सलाम वालेकुम माय जो फैमिली, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, तो पिछला ब्लॉग जो था मेरा, मैंने ये लुक किस तरह से क्रिएट किया और किस तरह से मैंने मतलब सब कुछ रेडी किया वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और अब मैं लेकर आई हूँ जो ब्राइड्स होती हैं उनको हिजाब किस तरह से वेयर करवाएं। अब यहाँ पर कुछ है कि मैंने जो बारात में जो पहनाया था, मतलब बारात का जो लुक क्रिएट किया था, तो उसमें मैंने सिल्क का कपड़ा लिया था। और दूसरा ये कि क्या बाल तोड़ रही हो, चलो हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक सिंपल सा, और वो जो था ब्राइडल वाला जो मेरा मैंने पहनाया था हिजाब, उसके अंदर मैंने काफ़ी लेयर्स वाला और काफ़ी फैंसी लुक दिया था हिजाब के साथ। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनर कैप में लेकर आती हूँ, मैं देख रही इनर कैप। ओके, इनर कैप हम पहनाएंगे। क्या हुआ है? जूड़ा। हाँ तो जूड़ा भी इसमें चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनर कैप पहना दिया है और ये हमारी छिछोरी है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा फोल्ड किया, थोड़ा सा दुल्हन ना शर्माती भी अच्छी लगती है। ठीक है, ये पीपी करती भी नहीं। शर्माऊं? दुल्हन की तो इतनी शर्माती है ना दुल्हन, तुम मुझे दुल्हा समझ लो। नहीं ओके, मत ऐसी कोई क्या बता, क्या बता के और इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ताकि जो फेस है वो इतना ब्रॉड ना नजर आए और सही लगे। ठीक है, यहाँ से इसको यार तो मेरा हार्ट टच हो रहा है, इसको गुदगुदी हो रही है यार। रिमशा इतनी टंगाने बता रही हूँ, मुन्नी मुन्नी आ गई। नहीं हाथ हटाओ, मैं बता रही हूँ हाथ हटाओ, लगनी नहीं चाहिए, बता रही हूँ। नहीं हो रहा कुछ भी, चुप करके बैठ जाओ, मैं बता रही हूँ। मदनी मुन्नी? यस, मदनी मुन्नी। हाँ यस, ओके। पता है अच्छा बनेगा, मैं हंसूंगी ना। ज्यादा टाइट नहीं, लूज छोड़ेंगे हम। ठीक है। टोपी यहाँ से भी हम फोल्ड कर लेंगे। नाइस, थैंक्स। बाल वाले से ज्यादा अच्छा तो ये लग रहा है ना, या टूट कर जा रहा था। अगर मैं वाओ अब क्यों हंसी आ रही है? मैंने ऐसे ही ना चौंकने लगाने ना सारी हंसी निकल जानी। वहां ठीक हो यार मुझे तो अच्छा, चुपे तो बताना। मैं चमाट में ऐसी कोनी मारूंगी। तुम्हारी दोस्तों क्या करूं, थोड़ी बहुत तो आएगी ना। और एक टाइम सीख ली ना, और एक टाइम यस, ये सीखने को मिला। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा, ये जो हमारा काम हुआ था इसको मैं थोड़ा सा आगे कर रही हूँ। ठीक है, मुंह पे लगा था, दो मिनट ना, दो मिनट ना, इसको मैं पीछे करूंगी। इसको मैंने आगे कर दिया क्योंकि ताकि मैं ये शर्माने के लिए रखा था यार, शर्माने के लिए रखा था। ये जो ये हिस्सा है ना, देखो दो मिनट मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं, अब तुम चुप रहना। देखो ये जो है ना, इसकी बॉर्डर पे एक काम हुआ हुआ है, मतलब इस तरह से काम हुआ हुआ है। हम इसको आगे कर देंगे क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। और मैंने यहाँ से इसको इस तरह से सेट करना है, यहाँ से,
और अंदर से पिन लगानी है। देख के लगानी है ना कि चुभे नहीं, किसी के भी लगाया ठीक है। थोड़ी सी और लेयर ले लेंगे, यहां से लेंगे, अंदर से लेयर लेंगे। सही है, अब यहां से हम इसको ओके कर दिए। ओके, दिखा रही हो ना, मिलो नहीं, थोड़ा सा सर नीचे करो, गुद भी नीचे थोड़ी। हाँ, अब ये वाला जो हिस्सा था, अब ये इस तरह से आ जाएगा बस। और ये जो है, ये बॉर्डर जो है, ये पूरा इस पे वर्क आ जाएगा इस पे इस तरह से। तो यहाँ पर जो पिन है, हम ये पिन निकालेंगे और ये आ गए इस तरह से। देखो यहाँ पे कान है, आराम से करना, कान है कान। झूमर, अच्छा जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे हमने इसका जो हिजाब है वो बना दिया है, और झूमर का है, झूमर लिया है, और इसकी जो है ये पिन इस तरह से आएगी इसमें, और ये इधर की फिक्स हो जाएगा। देन इसके बाद हमने इधर ही पर लगेगा नहीं तो ये गंदे मुंह बना रही है। हमारी ब्राइड हो चुकी है तैयार, रेडी बिल्कुल, और इसका आप लुक देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका लुक दिया है। आप चाहें तो नेकलेस भी बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर टीका भी लगा सकते हैं। तो ये है, यहाँ पर जो है मैंने बस झूमर पहनाया है साइडों, इतना भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से झूमर जो है वो सेट किया है, और आप ये देख सकते हैं। शर्मा लो तुम। तो ये है आज हमारी ब्राइड, आज की ओके ब्यूटीफुल ब्राइड। सही जा रहे हो, झूमर दिखाओ ना अपना, झूम बराबर झूम। तो आजकल जो मतलब रिमशा का लुक बताइए कि कैसा लग रहा है, रिमशा तैयार होने के बाद कैसी लग रही है, और रिमशा का ड्रेस कैसा लग रहा है, रिमशा को मैंने हिजाब जिस तरह से पहनाया है वो कैसा लग रहा है। तो बारात का जैसे मैंने पहले लुक दिया था, ये बिल्कुल टोटल उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर शायद मैंने टीका भी लगाया था आपके। जी टीका नहीं लगाया था आपने, आप लगाया था। हाँ टीका था उसमें, मैंने टीका लगाया था, उसमें मैंने बहुत लेयर्स वाले हिजाब बांधा था, और उसका जो फैब्रिक था वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और अलग था, और हैवी था वो ड्रेस बहुत, और वो ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा हैवी था क्योंकि आपने बारात लुक क्रिएट करी थी। तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, आज का वीडियो कैसा लगा, रिमशा कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रिमशा जी अच्छी लग रही हो वैसे, लेकिन अब व्यूवर्स बताएंगे कि आप कैसी लग रही हो। तो चलें फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर भी कर लेना, और हाँ वीडियो के एंड में कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ, हाँ जी वो भी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे भी और टंबर के भी। जी हम
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं अंबरनाथ ऑफिशियल के नाम से, कुछ पिक्चर्स मैं वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो रिमशा को भी सब्सक्राइब करो और मुझे भी सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत ज़्यादा इजी हिजाब था, उम्मीद करती हूँ समझ में आया और पसंद आया होगा। बाय।